जवान का ट्रेलर आ चुका है और धीरे धीरे पूरे इंटरनेट पे चर्चा का विषय बनते जा रहा है। इसी के साथ करण जौहर ने इस फिल्म के ट्रेलर को ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी का टाइटल भी दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये टाइटल सच में इस फिल्म के लायक है या नहीं, आइए जानते हैं फिल्म के ट्रेलर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ट्रेलर देख के ट्रेलर के सबसे दो मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये कि इसमें एसआरके के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और दूसरा ये कि फिल्म में विजय सेतुपति के रोल को क्या ही जबरदस्त तरीके से दिखाया है। मतलब इनको देख के पूरा वो बैडएस विलन वाला वाइब आ रहा है। रही बात प्लॉट की तो उतना कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कहानी क्या होगी, क्योंकि ट्रेलर में भाई कुछ सही से नहीं दिखाया है। बस शाहरुख खान के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को दिखाते जा रहे हैं, जैसे ये वो रील्स पे चिकने अपने कपड़े और हेयर स्टाइल चेंज करते रहते हैं बीट के साथ साथ। कभी शाहरुख खान विलन के रोल में नजर आ रहे हैं तो कभी पुलिस वाले के रोल में नजर आ रहे हैं तो कभी कुछ। खैर मोटा मोटा ये तो पक्का है कि विजय सेतुपति एक वेपन डीलर होते हैं, मूवी के हिसाब से वो फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर होते हैं और उनके पूरे कारोबार पे शाहरुख खान की नज़र लग चुकी है और विजय सेतुपति उस नज़र सहित उस बंदे को भी अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। खैर जो बात पॉइंट करने की है वो है कि शाहरुख खान एज ऑलवेज जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं इस मूवी में। ट्रेलर से इतना तो अंदाज़ा लग चुका है, बस प्लॉट सही रहेगा तो मूवी फाड़ के रख देगी। बंदे के ऊपर ये बैडएस वाले लुक्स एकदम परफेक्ट मैच हो रहे हैं। बात करें अगर मूवी के एटमॉस्फियर की तो हाँ, कलर्स और बीजीएम से लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसफुल और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और बीजीएम अच्छा है क्योंकि अनिरुद्ध म्यूजिकल का हाथ है इसके पीछे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फिल्मों में अपने इस कला का प्रदर्शन किया है। हालांकि जितने भी सॉन्ग्स आए हैं अभी तक मूवी के, वो मुझे बिल्कुल भी उतने खास नहीं लगे, बट मूवी के अंदर जो बीजीएम होंगे उनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि वो एक मेन पॉइंट होता है माहौल बनाने के लिए। बात करें अगर मूवी के वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी की तो हाँ, यह ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी में पैसों को सही जगह पर खर्च किया है। फिर चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हो, एनिमेशन हो, वीएफएक्स हो, हेलीकॉप्टर शॉट्स वगैरह वगैरह, ये सब एकदम परफेक्ट और सही लग रहे हैं देख के। मूवी में दीपिका पादुकोण भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखेंगी और नयनतारा को तो आपने पहले भी देखा होगा टीजर वगैरह में। ओवरऑल कहूँ तो फिल्म सिर्फ एसआरके के फैंस के लिए बनी है, मतलब सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम एसआरके को ही मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर। और फिल्म के प्लॉट से पूरी उम्मीद है मुझे ये अच्छी होने वाली है। खैर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताएं। तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट।